अक्सर हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ का असर हमारी आंखों पर पड़ता है, बाकी शरीर के पार्ट्स पर पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ का असर आपके दांतों पर भी पड़ता है। हाई ब्लड शुगर दांतों पर असर डालता है और डायबिटीज़ के मरीजों को इससे बच कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम दांतों पर डायबिटीज़ का असर, इस पर डिस्कस करने वाले हैं और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। डायबिटीज को कई बीमारियों की जड़ भी माना जाता है। ये हार्ट रिलेटेड डिजीज या फिर किडनी रिलेटेड डिजीज कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। आपको बता दें कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे आपके शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं रहता। आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो वहीं ये सीधा असर आपके दांतों पर भी डालता है। तो किस तरह से डायबिटीज आपके दांतों पर असर डालता है, चलिए इसी बारे में बात करते हैं। पहला है दांतों में सड़न। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे दांतों में सड़न हो गई है, यानी कि कैविटीज। मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैविटीज कहा जाता है, लेकिन जब वो ब्लड शुगर के कांटेक्ट में आती है तो वो दांतों को चारों तरफ से घेर लेती है और एक लेयर बना देती है, जिससे आपके दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, जिसे प्लाक भी कहा जाता है। इस प्लाक में एक ऐसा तरह का एसिड पाया जाता है जो धीरे धीरे आपके दांतों को सड़ाने लगता है। तो डायबिटीज की कंडीशन में शुगर और स्टार्च तेजी से आपकी बॉडी में फैलने लगता है। ऐसे में कैविटीज होनी तो लाजमी ही है, और कई बार अगर आपको डायबिटीज है तो आप इस बात को जरूर समझ जाइए कि आपके दांतों में कैविटीज आपके ब्लड शुगर लेवल की वजह से भी हो सकती है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वहीं मसूड़ों की बीमारी यानी कि गम्स की डिजीज भी अक्सर डायबिटीज के पेशेंट्स को हो जाती है। डायबिटीज का सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, जिससे आपको काफी कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आप कई और बीमारियों से भी घिरे हुए हैं तो आपके मसूड़ों की बीमारी भी बढ़ सकती है, यानी कि उसकी जो रेसिस्टेंस पावर है वो कमज़ोर होने लगती है। इसी वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर मसूड़े सड़ने लगते हैं। और वहीं तीसरा असर आपके दांतों पर पड़ता है, वो होता है आपके दांतों में कमजोरी आना। जब आपके मसूड़े या फिर दांतों में कैविटीज हो जाती है तो उससे आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज के जो मरीज हैं उन्हें इन बीमारियों से कैसे बचना चाहिए। पहले तो आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, अपने ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने ना दें, हमेशा कोशिश करें कि उसे आप कंट्रोल में रखें और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। वहीं आप रेगुलर तौर पर अपने दांतों की जांच भी कराते रहें, ये ज़रूर पता करते रहें कि कहीं आप पर यानी कि आपके दांतों पर डायबिटीज़ का ज़्यादा असर तो नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा है तो आप उसके प्रिकॉशन भी लें। वहीं हर दिन सुबह उठने के बाद या सोने से पहले आप ब्रश ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके दांतों को स्वस्थ रखेगा, साथ ही साथ जो कैविटीज़ पनपने लगती हैं उसे भी दूर करेगा। और तीसरा, अगर आपके दांतों में खाना फंस गया है, यानी कि हम जो दिन भर में खाना खाते हैं उसमें हमारे दांतों पे कुछ खाना रह जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस गंदगी को साफ करते रहना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप डेंटल फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे मार्केट्स में आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप सिगरेट, शराब या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो भी आपके दांतों को नुकसान पहुँच सकता है, तो आप इन सब चीज़ों से दूरी बना लें। वहीं रेगुलर तौर पर अपने दांतों की जांच कराते रहें, अपने डेंटिस्ट से मिलें और रेगुलर तौर पर आप अपने दांतों की स्केलिंग कराएं, जो आपके दांतों को काफ़ी क्लीन रखेगा और आपको दांतों से जुड़ी हुई दिक्कतों से दूर रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से डायबिटीज़ आपके दांतों को भी खोखला कर सकती है। तो आप कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।